झारखंड के भावानगर में आज सीटू बैनर तले लगातार 23 दिन से चल रहा संघर्ष लगातार जारी है। ना ही सरकार और ना ही प्रशासन बातचीत करने के लिए राजी है। आज भावानगर के प्रशासन के प्रांगण में मिनी सचिवालय भावानगर के एसडीएम के सामने रोष प्रकट कर स्थानीय लोगों को वापिस रोजगार देने के लिए मांग रखी गई। आइए दिखाते हैं आपको किन्नौर से सितेंद्र नेगी की ये रिपोर्ट। जो इतने समय से संघर्ष में है अपनी मांगों को लेकर, अगर कोई ठंड की वजह से बीमार हुआ या हॉस्पिटलाइज हुआ तो उसका जिम्मेदार भी रमेश हाइड्रो और ये कंपनी प्रबंधन होगा, और हम कंपनी पर ऐसी कार्रवाई करेंगे, प्रशासन को उस कंपनी पर एक्शन लेना पड़ेगा। हम इतना यहाँ पर आज बताने आए हैं, अगर कोई भी बीमार होगा हॉस्पिटलाइज हुआ तो कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भावानगर में रमेश हाइड्रो की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोल सती हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कंपनी प्रबंधन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भावानगर में रमेश हाइड्रो की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कंपनी प्रबंधन मुर्दा बोल।